सीरियस हालात है और आप कहते हैं कि झेल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बोझिल हो चुका है। हमारे सहयोगी सैयद मिराज ने बिहार के आरा के जैन कॉलेज में के बारे में जो सूचना भेजी है उसे सुनकर आप 10 पूरी ज्यादा खा लेंगे, क्योंकि वहां के लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। जैन कॉलेज आरा के गलियारे में बैठे ये बच्चे ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इतने अच्छे लड़के आपको किसी शहर के नहीं मिलेंगे वाकई, जो पढ़ाई नहीं होने पर भी पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आरा में आपको कॉलेज के खंडहरों के बीच इसी तरह से छात्र समूह बनाकर स्वाध्याय करते मिलेंगे। इस तस्वीर को देखकर आप कह सकते हैं कि इनमें पढ़ने की असीम इच्छा है, कोई कमी नहीं, लेकिन इनकी प्रतिभा रेलवे के इम्तिहान पास कर लेने के आगे नहीं जा पाती। अगर इन होनहार छात्रों को मौका मिला होता, योग्य टीचर मिले होते, तो ये क्या क्या नहीं कर सकते थे। सरकारों ने इनके सपने कुचल दिए, इन्हें जाति और धर्म में बांटकर अधमरा कर दिया। 1918 में हरप्रसाद दास जैन ने आदिनाथ ट्रस्ट की स्थापना की और आरा नगर में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु एक महाविद्यालय की बनाने की उनकी इच्छा थी। 1919 में इस काम के लिए उन्होंने 60,000 रुपए दिए थे। सोचिए 1919 का साल और 60,000 रुपया, ताकि आरा में हायर एजुकेशन का प्रसार हो। उनके जीवन काल में कॉलेज नहीं बना। 1942 में आदिनाथ ट्रस्ट ने फिर से 1,55,000 रुपया दिया। हमारी सरकारों ने हरप्रसाद जैन जी के सपनों की भी हत्या की है, गला घोटकर मार दिया। 1945 में डुमराव महाराज श्रीराम रणविजय प्रसाद ने आरा रेलवे स्टेशन के पास 21 बीघा 10 कट्ठा जमीन दी। आप दिल्ली से पटना रेल से जाएंगे तो बाई तरफ जैन कॉलेज आरा दिखेगा, लेकिन कितनों को पता है कि इस कॉलेज के बनने के सपनों को हमारे नेताओं ने हत्या कर दी है। इसमें 17 विभाग हैं, इसमें इंटरमीडिएट से लेकर पीजी तक की पढ़ाई होती है। शिक्षकों की संख्या 132 होनी चाहिए मगर है 65। एक सवाल बार बार उठता है कि जहां टीचर की संख्या इतनी कम है, उन कॉलेजों को ग्रेड कैसे मिल जाता है। ये एक नया घोटाला चल रहा है देश में। क्या नैक की ग्रेडिंग का कोई मतलब है। जैन कॉलेज आरा की कुछ इमारतों को नैक की टीम के चक्कर में 3-3 बार रंग पोत दिया गया। आखिरकार जहां 132 शिक्षक होने चाहिए और 65 ही हैं, तो फिर उसे ए ग्रेड दीजिए, बी ग्रेड दीजिए, सी ग्रेड दीजिए, क्या फर्क पड़ता है और क्यों दे रहे हैं। क्या आरा के नौजवानों को झांसा देने के लिए कि इसे बी ग्रेड हासिल है, आप यहां एडमिशन लेते रहिए और फिर क्लास की जगह बरामदे में मुंडी गाड़कर रेलवे गार्ड की तैयारी करते रहिए। भारत सरकार को नैक सिस्टम की ही जांच करा देनी चाहिए कि यह सब क्या हो रहा है। नैक की टीम हर जगह जाती है, नाश्ता वगैरह भी चलता है, ग्रेड देने के लिए फीस लेती है कॉलेज से। उल्टा सोचिए, जैन कॉलेज आरा में 11,500 छात्र पढ़ते हैं। इस संख्या के हिसाब से यहां शिक्षकों के लिए मंजूर पदों की संख्या 350 से 450 के बीच होनी चाहिए, लेकिन मंजूर पदों की संख्या 132 है। यहां के पुराने प्रिंसिपल ने कॉलेज को काफी बर्बाद किया, लेकिन जो नए आए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कोशिश कर रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं है। प्रचार ने लिखित में दिया है कि यहां टीचर की संख्या कम है। आप जानते ही हैं कि भारत में किसी समस्या को लिखित में दे देना कितनी बड़ी बात होती है। जैन कॉलेज आरा के पूर्वी गेट पर ओपन मूत्रालय है। कॉलेज में शौचालय का इतना बुरा हाल है कि शिक्षकों को घर जाना पड़ता था, ये उन्होंने बताया। दरअसल आप गेस कर सकते हैं कि ये घर जाने से के रास्ते में पूर्वी गेट जाते होंगे। शिक्षकों ने बताया कि नए प्रिंसिपल के आने के बाद अब शौचालय की साफ सफाई हो रही है, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब समझ गए हैं कि शिक्षकों की भर्ती उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम पर ही ज्यादा जोर आ रहा, लग रहा है ये सोल्यूशन आ सकता है ताकि जो नहीं आते हैं वो तो कम से कम आने लगे। बायोमेट्रिक सिस्टम अवश्य ही लगना चाहिए महाविद्यालय में।